हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी के कृपा से आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे भी कर्ण राशि के लोगों की राय कराए हैं जो कि तुम्हारा शमशान में घर बन जाएगा। दोस्तों, 7 अगस्त 2022 दिन रविवार का और आप सभी कर्ण राशि के लोगों के जीवन में बड़ा बवाल खड़ी होने वाले हैं। तूफान की तरह संकट पहली बार आपके जीवन में आसानी से घुस जाने वाले हैं और आज के दिन का आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार खुशियों की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनाता है। दोस्तों, आज के दिन का आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसायी करियर लव लाइफ आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकता है, आपके जीवन में किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना हो सकता है, तो आपके जीवन में किस प्रकार की खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं, तो आप लोगों को सारी जानकारी बताना चाहेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और आप सभी के जीवन में कुछ बढ़िया स्थितियों का निर्माण हो सकता है और आप सभी कर्ण राशि के जातकों को जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और भगवान जी आपकी सारी मनोकामनाएं कहीं ना कहीं से पूरा करने की संभावनाओं को बनाता है और हर प्रकार की इच्छाओं को जीवन में वृद्धि करता है। और आज आप लोगों को सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया बदलाव हो सकते हैं। कोई भी काम को करने से पहले उनसे जुड़े पूरी जानकारी लेने के काम और आसान हो जाएगा। परिजनों के साथ मिलवाट कर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। अच्छे संबंध अच्छे रहेंगे। किसी भी मुश्किल अथवा और निर्णय की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना उपयोगी साबित हो सकता है। बिना अनुभव के कोई भी कार्य न करें, किसी भी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अनहोनी हो जाने से मन उत्सुकी रह सकता है। दोस्तों, मौजूदा बिजनेस पर पूरा ध्यान को रखें। नए व्यवसाय संबंधित जानकारियां भी हासिल करना जरूरी होगा। नौकरी में टारगेट को हासिल करने के लिए भी एक्स्ट्रा इफेक्ट की जरूरत रहेंगे। दोस्तों, वरना अधिकारी नाराज हो सकते हैं। नजदीकी संबंधियों तथा मित्रों के साथ गेट टुगेदर से संबंधित मनोरंजन प्रोग्राम भी बन सकता है। प्रेम मधुराई बना रह सकता है। वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते हैं और किसी भी तरह के जोखिम को लेने से आपको परहेज करना हो सकता है। नए विचारों को अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने होंगे। जिन भी बातों में आप प्रगति नजर नहीं आ रही हैं, उन्हें छोड़कर अन्य चीज़ों को लेकर बातों पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। आपकी मानसिक अवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मित्रों के सहायता ग्रहण कर सकते हैं और आप लोगों के जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने की संभावनाएं हो सकती हैं और मित्रों के साथ बिताया हुआ वक्त भी आपको अपनी खूबियों के बारे में एहसास दिला सकता है। दोस्तों, करियर से संबंधित रिस्क को लेकर नए कामों को शुरू करने की कोशिश करने होंगे। मन की शांति और अपनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय ले सकते हैं। शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाने से तकलीफें हो सकती हैं या जीवन में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं और जीवन में कुछ बड़ी खुशियों को प्राप्त करने के मौके मिल सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। अपनी गैर प्राणी को और व्यक्तिगत को निखारने का समय हो सकता है। दोस्तों, आदि के लिए प्रयासों में सफलता बढ़ सकते हैं। प्रयास करते युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समस्याओं का समाधान मिल जाने से सुकून एवं राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है। दल की उपेक्षा दिमाग से आए कोई आपकी भावनाओं का नजायज फायदा उठा सकता है या समय कोई भी यात्रा को स्थगित रखना हो सकता है। इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। कारोबारी गतिविधियों में आप लोगों को जीवन में किए गए प्रयासों को सुखद परिणाम भी मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए आपको भरपूर मेहनत कर रही है और आज आपको संपर्क सूत्रों को पब्लिक रिलेशनशिप को अधिक से बेहतर बनाने की जरूरत रह सकते हैं। प्रोडक्शन के साथ साथ किसी भी चीज को लेकर मार्केटिंग को कार्य को करना ज्यादा बेहतर हो सकता है। आपको ध्यान को बनाए रखना हो सकता है। घर परिवार में सुकून भरा माहौल रह सकता है और युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है। अत्यधिक मेहनत और थकान की वजह से शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। मेडिटेशन योगा का सहारा लेना होगा। हर प्रकार के कार्य में विकसित करना होगा।